दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 जुलाई 2021 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लव राशि फल। आज चंद्रमा मिथुन राशि में शाम 6:44 तक रहेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आज पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनाएंगे आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप आज के दिन बहुत ज़्यादा स्थिति आपको अकेलापन महसूस कराएगी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों का सहयोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, दोस्तों का साथ जरूर मिलेगा। कोई एक्स पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, आपके अकेलेपन को दूर करने वाला है। और उसके साथ साथ आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में और नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति में है तो वहाँ से कॉन्टैक्ट होने की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आज आपके रिलेशनशिप में अगर आप बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करने वाले हैं, फ़ोन कॉल पर ज़्यादातर रहने वाले हैं। आज के दिन देखा जाए तो विश्वास जो रिश्ते में कम हो गया था उसे बढ़ता हुआ देखेंगे और आपकी मैरिड लाइफ में कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, किसी बात को लेकर के पार्टनर से शिकायत हो सकती है, उस शिकायत को दूर करने का पार्टनर कोशिश भी करेगा, तो इसलिए स्थिति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ठीक भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन विशेष ध्यान रखना कि मैरिड लाइफ में फैमिली मेंबर, उनके पेरेंट्स का किसी प्रकार से अपमान न करना, उन्हें किसी प्रकार से कोई बात मत बोलना ऐसी। और आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां बन रही हैं कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दूर होने वाली है और बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आपको खास करके ध्यान देना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि किसी प्रकार से अगर कोई बात छिपा रखी है तो शाम के समय वो बात बिल्कुल भी ना बताएं। अगर शाम 4 से 6 के बीच में वो बात बताते हैं तो आपकी झगड़े की स्थिति बन सकती है और आपका आगे चल करके ब्रेकअप भी हो सकता है, स्थिति बन सकती है उसी बात को लेकर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए स्थितियाँ आज काफ़ी सकारात्मक हैं। आज लव मैरिज को लेकर के बातचीत कर सकते हैं पार्टनर, आज कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। आज के दिन विशेष रूप से लव मैरिज को लेकर के फैमिली से बातचीत करने जाएंगे आपके पार्टनर, आपसे कहेंगे कि आप अपनी फैमिली से बातचीत करें, बात आगे बढ़ाएं, अब हमें शादी करनी चाहिए, ऐसी बातें मैरिज को लेकर ज़्यादा होंगी। मतलब जो बातें छिपी हुई थी अभी तक, जो संबंध पूरी तरह से छिपे हुए थे, उन्हें उजागर करने के लिए अब आपके पार्टनर आपको अनुमति देंगे। ये जानकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी शादी होने वाली है, आगे हमारी शादी हो जाएगी और हमारा पार्टनर शादी के लिए अगर तैयार नहीं था तो अब वो तैयार हो गया है, इस बात को जानकर के आपको काफ़ी खुशी होगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ सकती है, मैरिड लाइफ में खास करके परिवार की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की वजह से या किसी बात की वजह से या कार्य क्षेत्र की कुछ खामियों की वजह से आप पर गुस्सा निकाल सकते हैं पार्टनर और उससे थोड़ी मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज विशेष रूप से आप अकेलापन महसूस करेंगे, सिंगल हैं तो खास करके, और लव लाइफ में भी आपके पार्टनर आज आपका साथ नहीं देंगे, आज आपको इग्नोर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अपमान करने वाली बातें बोलें, बहुत ज़्यादा आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें बोलें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे। आज पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा तड़फेंगे, बहुत ज़्यादा तरसेंगे, उनसे बात करने का मन भी करेगा लेकिन आप बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी जो आपको अभी तक याद हैं वो चुभ रही हैं और आपका मन नहीं करता है किसी भी प्रकार से उनसे बातचीत की जाए। खास करके मैरिड लाइफ, यहाँ की सिचुएशन कन्फ्यूजन वाली है, यहाँ पर आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। कुछ स्थितियों में आपको लगता है कि आपने ये शादी करके गलती की है या यहाँ पर आप कहीं ना कहीं किस्मत से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब जैसा मिल गया, जैसी किस्मत बन गई, बन जाने दे, अब बस किस्मत के भरोसे आप छोड़ना चाहते हैं सब कुछ क्योंकि अब जो कुछ होना था वो हो गया, आप बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसे मन में ख्याल आएंगे। तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आप एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है आज के दिन की।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज नफरत हो सकती है पार्टनर के साथ में, या कोई थर्ड पार्टी आ सकती है। इस वजह से किसी थर्ड पार्टी के साथ में आप उन्हें रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और आज पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक की स्थिति भी आपके लिए बनेगी, आपकी बनेगी, ये स्थिति है। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए लव लाइफ की स्थितियाँ आज बहुत बड़े ब्रेकअप को दर्शाती हैं। अचानक से पार्टनर कोई अचानक से धोखा दे सकता है, आपका फ़ायदा उठा रहा था कोई व्यक्ति आपको पता लग सकता है, आप जिसके साथ में दोस्ती में थे वो आपका एक सिर्फ यूज कर रहा था, आप किसी को इम्प्रेस करने में लगे थे और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा था और वो आपको एकदम से छोड़कर चला गया है, या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप मजबूर हो गए हैं अब उसे छोड़ने के लिए, उससे दूर होने के लिए, ये स्थिति आज के दिन बनेगी। मैरिड लाइफ की स्थितियाँ नो कॉन्टैक्ट में जाने की या बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की और बहस की बन रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज प्रेम रहेगा, नए संबंध स्थापित होंगे और फिर से एक अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके लिए। पार्टनर कोई गिफ्ट देकर के आपको मनाने का प्रयास कर सकता है, किसी गलती का एहसास उन्हें हो सकता है, अगर ब्रेकअप हो गया है या आपको छोड़कर गए हैं, धोखा दिया है आपको, तो उन्हें गलती का पछतावा होगा और वो आपकी लाइफ में पुनः वापस आ सकते हैं। विशेष रूप से आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दर्शाते हैं, एक अचानक से बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए और गलतफहमी की वजह से मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में परेशानियाँ बन जाएँ, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए स्थितियां क्या कहती हैं। आज के दिन दशमस्त चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आज अचानक से पार्टनर इग्नोर करने लगेंगे और कुछ गलत फहमियाँ बन जाएंगी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी नज़र आएगी और आपको जलाने का भी प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिससे आपको जलन महसूस हो। मैरिड लाइफ में थोड़ी आपको खास करके ध्यान रखना है कि उनके पेरेंट्स का अपमान नहीं करना है। अगर आप उन्हें किसी प्रकार से ऐसा कुछ शब्द बोल देते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। आज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा आज स्थितियाँ अच्छी होंगी, नई शुरुआत होगी, कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ में एक नया रिश्ता शुरू हो जाए, विश्वास का रिश्ता बहुत अच्छा बन जाए, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों। तुला राशि वालों, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और नो कांटेक्ट में चल रहे लोगों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं, कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत होगी, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे आप पार्टनर के साथ में और मुलाकात हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, मैरिड लाइफ भी ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, हर प्रकार की स्थिति अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आज कन्फ्यूजन वाली हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो खास करके आज किसी को प्रपोज ना करें। आज लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, मैरिड लाइफ में आज थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से कुछ बातें छिपाई हैं उसकी वजह से, और कुछ आपने ऐसी बातें अपने पार्टनर को बोल दी जिस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनती जा रही है मैरिड लाइफ में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंस चुके हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए स्थितियां बहुत सकारात्मक हैं, आज लव मैरिज को लेकर के पार्टनर बातचीत कर सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे, गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कन्फ्यूजन भी दूर होंगी, काफ़ी आपका मान सम्मान करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान देंगे, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें अच्छी बोलेंगे जिससे आपको उनसे विश्वास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट में है तो आपको मनाने का प्रयास करेंगे जिससे आप मान जाएंगे, और कोई गिफ्ट इत्यादि दे करके आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई आज इम्प्रेस कर सकता है, कोई आपका पार्टनर बनना चाहता है, ऐसी स्थितियों में भी आप जाएंगे और कहीं ना कहीं उसके प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं, किसी को भी प्रपोज ना करें, अगर आज करते हैं तो समझ लीजिए कि आप थर्ड पार्टी का रोल निभाएंगे और किसी की लाइफ में निकल जाएंगे तो वहाँ से आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी की लाइफ में आज जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो अपनी सारी ज़िंदगी के जितनी गलतियाँ हैं, जितनी बुरी बातें हैं या जितनी उसकी ज़िंदगी कठिनाइयाँ, जितनी तकलीफ़ें, उनका सब का कारण, सब का जिम्मेदार आपको बना देंगे।
अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में आए थे जो किसी रिश्ते में पहले से ही वो व्यक्ति था और उसने आपको वेट करने के लिए कह दिया था, तो आज कुछ ऐसा होगा जिससे आपका दिल टूट जाएगा। मतलब प्यार होने से पहले ही नफरत हो जाएगी आज उससे, ऐसी स्थिति भी बन रही है। लव लाइफ में आज स्थितियां थर्ड पार्टी की हैं, मैरिड लाइफ में बहस हो सकती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई गिफ्ट इत्यादि दे करके कोई बात छिपाने की या किसी बात से एक तरह से आपको डाइवर्ट करने की या किसी बात को छुपाने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, लव लाइफ में शानदार स्थितियां रहेंगी। आज कोई नया पार्टनर मिल सकता है, किसी के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई गिफ्ट इत्यादि आपके पार्टनर आपसे मांग सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। और अचानक से यात्रा मुलाकात इसके योग भी बन रहा है, अचानक से पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आपने सोचा भी नहीं था कि मैरिड लाइफ में स्थितियां काश आपकी ऐसी अच्छी हो पाएंगी या नहीं, ऐसा आप सोचते थे कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो आज वही होगा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों सिंगल हैं, आज किसी को प्रपोज ना करें। आज किसी के साथ में अगर दोस्ती कर रखी है, उसके साथ बहुत इमोशनल हैं, तो आज वो आपको एकदम से झटका दे सकता है, कोई बहुत उम्मीदें आपकी तोड़ सकता है, आपको बहुत बुरा धोखा दे सकता है। आपके जितने भी उसने आपके एक तरह से आपसे जितने भी आपने उसके लिए जो भी एहसान टाइप किए हैं या पैसा दिया है, धन तन मन धन जो समर्पित किया है, वो सब आपका नष्ट हो जाएगा, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी, और विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ, यहाँ कोई बड़ा धोखा या एक तरह से दिल टूटने वाली स्थिति बन रही है, ये स्थिति आपके लिए बन रही है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।